नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। दर्शकों, अभी मैं रानीगंज प्रखंड के कुपारी पंचायत के अहमदपुर पाई वार्ड नंबर 8 में हूं और यहां पर जो है आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। ये इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि ये वर्षों से, 1, 2, 4, 5, 10 दिन नहीं, वर्षों से ये लोग बिजली की समस्या को लेकर के जूझ रहे हैं। इनके घरों में बिजली रहती है लेकिन बिजली रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर तो लगाया गया है लेकिन जो वोल्टेज है वो बिल्कुल इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि हम 5 वार्ड के बल्ब भी लगाते हैं अगर, तो वो भी ठीक से नहीं चलता है। इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उन पढ़ाई बाधित होती है उनकी, और आप सबको पता है कि गर्मी में किस तरह से लोग परेशान होते हैं। हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों ये लोग इतने आक्रोशित हैं, और यहाँ पर बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए यहाँ पर। जानते हैं क्या है पूरा मामला। और ये जो है, ये मैं आपको और बता दूं, ये एक महादलित टोला है जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली को लेकर के कितने दिनों से ये लोग परेशान हैं और क्या हुआ अभी तक। तो करीब 1-2 साल से है और बिजली नहीं मिलता। आज जैसे डिबिया नहीं जलता है चिराग, उस तरफ बल्ब जलता है, और हम लोग समस्या से अपने अपने तार खरीद के लाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी अपने मिस्त्री लाते हैं, फिर भी नहीं समस्या हल हो रहा। अपने पैसे से तार लगाए? हाँ, अपने पैसे से तार लगाते हैं, फिर भी नहीं समस्या हल हो रहा। और हम लोग कितना दरखास्त दिए, कितना आवेदन लिखे, इसका कोई सुनवाई नहीं। क्या बिजली की क्या स्थिति है यहाँ की? बिजली का यही स्थिति है, 4 साल से बिजली नहीं चल रहा है, ना सही से लाइट नहीं दे रहा है। हम लोग गर्मी से तबाही रहते हैं, हर समय दवाई सुई दवाई लगते रहता है। आपका विधायक या सांसद के पास गए आप लोग? नहीं, कभी नहीं। सांसद तो आता ही नहीं है, सांसद कभी नहीं आया क्षेत्र में घूमने के लिए, ना देखने के लिए आया क्या हाल में। विधायक जी आपका? हाँ, विधायक जी भी नहीं आया। कौन है विधायक आप? अश्विन ऋषिदेव है। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। पहले आया था वोट लेने के लिए, तब से गया तो नहीं गया, एक बार तक अभी घूम। क्या स्थिति है, लाइट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कब से ये हाल है? 4 साल से। 4 साल से? हाँ। कैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं? मोमबत्ती और बारह चढ़ हम कभी बारह सौ भुताइए थे, मोमबत्ती बारह चौपन से भुताए थे, फिर अनहरिए में रही। पाँच मोमबत्ती क्या काम चलते, कते देर जाए। एक आदमी बोलिएगा। अच्छा, बताइए कि लाइट की समस्या को लेके आप लोग कहाँ कहाँ गए अभी तक और क्या हुआ? देखिए, कार्रवाई की बात है तो हम लोग आज 2 साल से ये 10 लड़का मिल करके 5-6 बार तो गुलमंती में जा करके आवेदन दिए। उसके बाद वो बोला कि काम हो जाएगा, मगर वो काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो दिलासा दे करके अपना काम कर लेता है, बाकी हम लोगों को रास्ते पे छोड़ देता है भटकने के लिए। फिर उसके बाद इधर ईडीओ के पास गए तो ये बोला है कि ऐसा है कि जितना भी कंज्यूमर है उसका रीडिंग जो है कि पूरा रीडिंग ला करके दो, कितना का किसका कितना चला है नहीं चला। तो सर, हम लोगों का काम यही बचा है कि उसका काम हम लोग जा करके करें, रीडिंग निकाल करके देंगे, तब जा करके वो हम लोगों को फिर बिजली देगा। कितने साल से आप लोग आवेदनबाजी कर रहे हैं? ये 2 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं, उससे पहले से बिजली का समस्या था, उसके वजह से जो कर रहे हैं तो 2 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। जब थक गए हैं तब लास्ट में जो है कि यही रास्ता हम लोग अपनाना पड़ा, जो आप लोग को आपको बुला करके ये चीज़ को दिखाना पड़ा, बोलना पड़ा, ये सब मजबूरी है, उन लोगों की वजह से ये मजबूरी हम लोग को उठाना पड़ा। नहीं, आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे जी, बच्चे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? रात में जब घर आते हैं, होमवर्क मिलता होगा स्कूल से, तो कैसे उन लोगों? सर, लाइने नहीं रहता है, लाइन नहीं रहता, मोमबत्ती जलाते हैं, उससे ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ता पढ़ता नहीं तो सो जाता है। इसमें रात में मारने के लिए भी नहीं होता है, उसको लाइने नहीं रहता तो उसको क्या हम मारेंगे या क्या करेंगे, ये इस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता मयंक पासवान जी यहाँ पर आए हुए हैं और ये लगातार जो है लोगों की समस्या को देख रहे हैं। रानीगंज विधानसभा की अगर हम बात करें, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको देख रहे हैं और उनकी निदान की दिशा में काम कर रहे हैं। मयंक जी, आज आप कुपारी पंचायत पहुंचे हैं, यहाँ की समस्याओं को आपने देखा, बिजली की समस्या है, आप इस मामले को लेकर के क्या आगे कदम उठाएंगे? जी, हम पब्लिक के साथ, अगर जेई साहब नहीं सुनता है, कोई बिजली विभाग नहीं सुनती है, तो हम सभी NH को जाम करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब से हम घूमना स्टार्ट किए, हर एक पंचायत, 32 रानी विधानसभा जितना ही पंचायत है, करीब करीब घूम ही लिए हैं, सभी जगह परेशानियां देखे और जनता से जाने की क्या दिक्कत है सभी बताया, और घूम घूम देखे इतना परेशानी है कि लाइट, ये कुपारी पंचायत है, कुपारी पंचायत पाई है, तो यहाँ पे देखे तार कहीं लटका हुआ है, कहीं गिरा हुआ है, ऐसे में बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है, लाइट वोल्टेज ही नहीं आ पा रहा है, 3 वार्ड मिला के एक ही ट्रांसफार्मर है,
एक ट्रांसफार्मर में जो कि डिम लाइट रहता है, मोमबत्ती जला के यहाँ रहता है। समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं घर घर पहुँचा दिए बिजली, तो बिजली पहुँचाने से नहीं होता। आपका भ्रष्ट अधिकारी देख लीजिए क्या कर रहा है, और यहाँ जनता साहब देख ही लिए क्या क्या रिस्पॉन्स मिला। और देख सकते जनता का 3 साल पहले भी यहाँ अप्लीकेशन दे चुका है, बार बार दे चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज कर देंगे, कल कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए, ये तो झूठा नहीं हो सकता है ना। ये आप देखिए, ये आवेदन है, मैं आपको दिखा दूँ और बिजली विभाग को भी दिखा रहा हूँ मैं कि ये देखिए 3 साल पहले का आवेदन है, और आवेदन पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं ग्रामीण पिटीशन है और ग्रामीणों का बहुत सारा सिग्नेचर है इसमें, लेकिन बिजली विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रही है और पता नहीं कब जागेगी नींद से। इन लोगों की समस्या से लगता है बिजली विभाग को कोई मतलब नहीं है। तो क्या अभी आप यहां से जा करके स्कूटी से एसडीओ से मिलेंगे? जी अभी मैं मिलने के लिए अभी अररिया जा रहा हूं स्कूटी से, और जेब सर से मिलेंगे, सभी से मिल के अप्लीकेशन थमाएंगे। और वे बात नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, एनएच को जाम कर देंगे। जब से हम लोग लाइट लगाए हैं, जब शुरू में लाइट लगा तो बोला 16 KV का ट्रांसफार्मर मोल लेना होगा। हम लोग बस्ती में चंदा किए 150 रुपये कर। क्या बोला आपको? खुद खरीदना होगा। हाँ, खरीदना होगा। तो बल्कि कदवा हृदयपुर कुछा हम लोग 70 रुपया लेकर 700 रुपये लेकर गए ट्रांसफार्मर लाए। ठेकेदार था सहरसा का, हम लोग जानते नहीं थे, हम लोग क्या जानने गए कहाँ से क्या नहीं है। हम लोग लगा दिए, अब वो पैसा उसको दिया या नहीं दिया, हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए, उसके बाद चलाने लगे हम लोग। की बात ये लगभग 5 साल तो पूरा हो गया, 5 साल से। उसके बाद लगा 63 KV, 63 KV लगा तो उसमें दो फेज जो तार दिया, तार के बीच में जो तार था लोहा का वो भी नहीं है, सिर्फ अलमुन का है। वो किस वक्त टूट जाता है खाना मुश्किल है, 2 बार टूट चुका है। मतलब तार भी जर्जर है और खतरा लग रहा है। तार जो बीच में रहता है लोहा वाला वो नहीं है, सिर्फ उसमें अलमुन है, 2 बार खेत में गिर गया। तो हम लोग सब लड़का अपने से मिल के मिस्त्री को ला के उसको ठीक कराए। उसके बाद ट्रांसफार्मर जब लगा तो तार इतना जंग दिया, इतना परेशान तार से कि अपने से जोड़ते जोड़ते परेशान रहते हैं। उसका आवेदन दिए, सारा परेशान जुड़ के कि यहाँ 2 ट्रांसफार्मर का 1500 घर का आबादी यहाँ पर, यहाँ 1 ट्रांसफार्मर से क्या होगा। उसके बाद वो भी है तीसरा तार का मामला जहाँ पर है, देख लिया जाए, अपने से आप आ चुके हैं देख लीजिए। पूरे बस्ती में अगर टेप लगाया जाए तार में तो 2 दिन लगेगा टेप लगाने में, चलाएंगे क्या? 2 दिन लगेगा टेप लगाने में उसको। कभी तार को खोलते हैं, कभी अखाड़ा करते हैं, कभी इधर उकसा लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं। कितनी आबादी है इस गांव? 1500 घर से ऊपर होगा यहाँ पर, कम से कम 1500 वोटर है यहाँ पर, घर तो छुड़ गई। यहाँ के स्थानीय समिति है, इनसे आप समिति हैं इस पंचायत के, ये बताइए कि आप लोगों के तरफ से क्या पहल किया गया? आप जनप्रतिनिधि है, लोगों की समस्या देखना आपका काम है। आप लोगों ने क्या कदम उठाया इस मामले में? कुपारी पंचायत के पंचायत समिति में बार बार युवक लोगों हर जगह पहुंच चुके, लास्ट में अपने स्तर से भी हमने गए जिला, आवेदन का बोला कंज्यूमर नंबर लाइए, सब कुछ करके किया, उस पर सुनवाई नहीं किया। नहीं करने के बाद फिर जाके विभाग को भी जाके बोला कि मिल जाएगा, यानी कि दिलासा दिया, आज तक तो ये चीज पर ध्यान नहीं। कब से आप लोग पहल कर? लगभग 2 साल से, 2 साल से दिलासा ही वाला काम किया। तो इसमें युवक सम पूरा ये भी हो गया कि अब हम लोग का सुनवाई न होता है, इसलिए हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो अभी संसद साहब भी नहीं थे, दिल्ली में थे, इसलिए हम लोगों को रोक दिए। मेरे विधायक जी अश्मित जी वो भी नहीं थे, उनसे भी बात हुआ, बोला अच्छा आने दीजिए। अब तक हम लोग उनके इंतजार में रुके थे, न तो अब तक चक्का उक्का जाम कर देता लड़का लोग सब। चाहे लाइन के लिए कुछ भी करना होगा, इन लोगों को तैयार है, इसलिए कि इन लोगों की पढ़ाई लिखाई बच्चा क्या बहुत दिक्कत होता है। मैडम को जाके कहते हैं, टीचर लोगों को, तो टीचर लोगों को क्या करें, बच्चे को क्या करें। लास्ट में हमको बाहर करना पड़ता है रूम से, इतनी गर्मी का तबाही रहता है। तो हम लोग भी देखते हैं, हम लोग के बच्चा की पढ़ाई शिक्षा सब जा रही है ये विभाग के चलते। बिजली विभाग हम लोग का आज तक नहीं सुना है, और इसलिए आप लोग को भी लाए हैं इस चीज़ पर। आप लोग भी जहाँ तक हम लोग की खबर आवाज़ है वहाँ तक पहुँचाने की प्रयास करिए। इसके लिए मेरे मंत्री जी भी जहाँ जहाँ जाना होगा इसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद आलम, कुपारी पंचायत के पंचायत समिति में। 2 साल से लगभग यहाँ के लोग बिजली विभाग को आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उनके लोगों की समस्या से उनको कोई भी लेना देना नहीं है ऐसा लग रहा है। यहाँ एक आम आदमी किस तरह से जीवन यापन करता है, खास करके मजदूर लोग जो होते हैं दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, रात में घर में आकर के किसी तरह वो सुकून से सोना चाहते हैं, सुकून की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो है बिजली विभाग अब इनका सुनने को तैयार नहीं है। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इसमें। तब तक हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन मुख्तार अनवर के साथ मैं अलाउद्दीन खान,
नमस्कार। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरीफायर, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।